नमस्कार दर्शकबिन, आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए, आज मैं आपको कुछ ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो हर मनुष्य के जीवन में एक बार जरूर आता है। तो कोई मनुष्य इस पीड़ा से निकल सकता है तो कोई मनुष्य इस पीड़ा से नहीं निकल पाता। आज हम उपाय लेके आए हैं, ये कौन सी बातें हैं जो पांच बात जब आपका समय आपके साथ ना हो, गलत परिस्थिति चला हुआ हो, तब भी आपको ये पांच बातें अपने मन में ध्यान रखने पर और ये पांच उपाय आपके मन से करने पर आपको जीवन में आई सभी प्रकार की समस्याओं का निदान दिला सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा पीड़ा है अथवा वो क्या कार्य करें जिससे आपको हर प्रकार से समस्याओं से और मानसिक तरीके से आप पीड़ित हो, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपका कोई मित्र इस अवस्था से गुजर रहा हो तो उनको किस प्रकार से प्रेरित करना है, इसके बारे में आपको कुछ टिप्स प्रस्तुत करूंगा। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक टिप्स भी है और कुछ उपाय भी है। सर्वप्रथम, हर आदमी के जीवन में जब जीवन चक्र घूमता है तो सुख और दुख जीवन में जुड़ा रहता है। कभी जीवन में खुशियों का अंबार लग जाता है तो कभी जीवन में दर्द का समय भी आता है। इसलिए खुशी के संयम रखें और दुख के समय में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपका कोई मित्र, पारिवारिक सदस्य, कोई भी अगर इस सिचुएशन पे है, वो मानसिक तनाव में है और उससे वो निकल नहीं पा रहा है, आप उसको फीलिंग को समझने की कोशिश करें और उसके पास जाकर उसे प्रेरित करने की कोशिश करें। और जब कोई आदमी पीड़ित होता है, किसी प्रकार से वो गुजर रहा होता है, तो सभी जाके उसको टिप्स देते हैं, तो उस समय आपको उसको टिप्स नहीं देना, उसको केवल उसका सुनिए, उसके दर्द सुनिए। क्योंकि वो जब पीड़ित है अंदर से तो उसका पीड़ा जब ही बाहर हो सकता है जब आप उसके अंदर के दर्द को सुन पाएंगे। सुनने के बाद आप इससे निकलने की कोशिश करो, आपके अंदर इतना क्षमता है, आप इससे निकल सकते हो, इस प्रकार से उसको प्रेरित करें, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल उसके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन कोई टिप्स देने की कोशिश ना करें, आप ये करो अथवा ये करो, ये नहीं, उसको समझने की कोशिश करिए, उसके सुनिए, उसके साथ समय व्यतीत करिए। साथ ही इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप इस समस्या से ग्रसित है तो सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी का ध्यान करें और भगवान गणेश जी को दुबड़े में घी लगाकर ओम गंग गणपते नमः ये मंत्र उच्चारण करते हुए पांच दुबड़ा जिसमें सात पत्तियां हो वो भगवान गणेश जी के चरण में अर्पण करें, जिससे आपको जो मानसिक तनाव उत्पन्न है, यही मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान गणेश जी के चरण में दुबड़ा चढ़ाना है। दुबड़ा चढ़ाने के बाद आप भगवान गणेश जी के सामने बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। उसके अलावा जब आप उस आसन से उठ जाएंगे उसके बाद भी आप मन मन में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का अगर आप नित्य जाप करेंगे तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपका पांच दिन से लेकर सात दिन के बीच में आपके जो मानसिक तनाव का जो कारण है ये बहुत कुछ आप निकलने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। दूसरा उपाय क्या है, अगर आप इस सिचुएशन से अगर गुजर रहे हैं तो आप अपने कमियों को ढूंढने की कोशिश ना करें। मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने ये करता तो ऐसा होता, मैं ये करता था, ये नहीं। आप अगर पीछे की कमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप उससे निकल नहीं पाएंगे। आगे के बारे में सोचना, पीछे जो व्यतीत हो गया व्यतीत हो गया, और जो भी आपको फीलिंग को समझने की कोशिश करता है
उस बंदे के साथ अधिक से अधिक बैठकर आपको समय व्यतीत करना है। तीसरा पॉइंट, जब इस प्रकार के समस्या से जब आप गुजरते हैं तो उस समय सर्वप्रथम मैंने आपको एक मंत्र नोट करा चुका हूं, ओम गंग गणपते नमः। उसके अलावा ओम सर्व बाधा बिनर मुक्ता धन धान्य सदान्वित मनुष्य मद प्रसादेना भविष्यति न संशय। इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो सभी बाधाओं से तनाव से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता नजर आने लगेगा। क्योंकि जब आप इस समस्या से उलझ रहे होते हैं तो दिन भी बहुत लंबा लगने लगता है, समय भी बहुत लंबा लगने लगता है, किससे मन बात करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। ये सभी प्रकार जो रीति है इस पर से आपको कुछ बाहर स्वयं में निकलना होगा, और जो आपके फीलिंग को समझता है उसके साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत भी करना होगा। उसके अलावा आप संकट की अवस्था में सर्वाधा विनम्रता का मंत्र भी आप करें, ओम गंग गणपति नमः ये मंत्र भी करें। संकट कटे मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, इस एक दोहे को आप अधिक से अधिक उच्चारण करने की भी कोशिश करें और इसके अर्थ भी समझे। संकट कटे मिटे सब पीरा, आप इस मंत्र को जाप करेंगे, संकट की अवस्था अगर आपका कोई साथ भी ना दे और कोई आपका साथ भी ना हो तब भी आप एक हफ्ते तक जाकर आप इस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर जो हिम्मत है वो शरीर के अंदर भर कर उभर के आएगा। इसलिए ये मंत्र आपको जरूर करना है। और पांचवा टिप्स है हमारा, आप अपने कमी को बिल्कुल नहीं देखेंगे, आगे क्या करना है हमें अथवा किस रास्ते पर हमें चलना है ये भगवान को समर्पित करते हुए आप आगे चले और अपने अंदर के दर्द को भुलाने की कोशिश करें। जब आप उस दर्द से करार लेते हैं तो उस टाइम भगवान का नाम स्मरण करें और आप जिस टाइम पीड़ित रहते हैं उस टाइम आप मंत्र करते समय एकाग्रता नहीं हो सकता, इसलिए आप मंत्र को कॉपी पर लिखें, लिखकर रटने की कोशिश करें, देख 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 कर आपको पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपके मन से अधिक ये चीज़ उच्चारण हो। क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख दर्द आता है वो इसी जन्म का भी हो सकता है और अगले इससे पहले वाला जो जन्म था हमारा उसका भी हो सकता है। इसलिए आप अपने आपके अंदर ये अगालने की कोशिश ना करें कि मैंने इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर ये सोचेंगे तो आप और टूट जाएंगे। हो सकता है आपने जीवन बहुत अच्छा कार्य किया है लेकिन फिर भी आपके सामने समस्या आ रहा हो, इससे पूर्व जन्म का समस्या हो सकता है। इसलिए भगवान के ही शरण में जाने से और भगवान के मंत्र जब पूजा पाठ करने से ही आपके अंदर से जो दुख दरिद्रता है ये दूर हो सकता है। इसके अलावा आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर सहस्त्र रुद्राभिषेक कराएंगे तो रुद्राभिषेक से कि आपके जो समस्या है तनाव है इससे आपको बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा सहायक होगा। हस्तमित्राच नेत्रा ही हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, मित्रों पर शेयर करना ना भूलें और जो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का लिखा हुआ है आप वो अवश्य दबाएं। अगर YouTube के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। Facebook, Twitter अथवा अन्य अन्य सोशल नेटवर्क से अगर आप देख रहे हैं तो YouTube चैनल में जाकर एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट के नाम से जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।